आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बुध और शुक्र यानी कि मरकरी और वीनस, इनकी जो आपस में युति है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, अच्छा होता है, खराब होता है, क्या पोटेंशियल होता है, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, लकी नंबर, लकी कलर कौन से इनके लिए हो सकते हैं, आज उसके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं। क्या आप भी पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास जा जा के थक चुके हैं, उनके बताए गए उपाय कर करके आप हार चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं हो पा रहा है? वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अपने जीवन का कल्याण दूसरों से करवाना चाहते हैं। हाय, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। दोस्तों, मैं एक ऐसे मिशन के अंदर हूँ जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी और वास्तु की अवेयरनेस देना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ, उनको ये विद्या सिखाना चाहता हूँ ताकि वो अपने जीवन का कल्याण खुद कर सकें, अपने परिवार के जीवन का कल्याण खुद कर सकें और कहीं ना कहीं समाज का कल्याण कर सकें। अगर आप भी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं तो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए 4 दिन का न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, जहां मैं आपके साथ बहुत ही लर्निंग शेयर करूंगा, न्यूमरोलॉजी की ऐसी ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसी ऐसी डायमेंशंस आपको बताऊंगा न्यूमरोलॉजी की जिनको सीख के आप अपने जीवन को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डिटेल नोट कीजिएगा। डेट्स रहेंगी 19, 20, 21, 22 दिसंबर, होटल अलॉफ्ट एरो सिटी न्यू दिल्ली के अंदर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 999-999-3434 पे कॉल करके अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू इनटू न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। इसमें है जीवन की आशा, आंखों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो। बोलते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को जरा सा भी स्किप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में से स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं बुध और शुक्र की युति, यानी कि नंबर 5 यानी कि मरकरी का नंबर, बुध का नंबर 6 नंबर यानी कि शुक्र यानी कि वीनस का नंबर। जब बुध और शुक्र आपस में मिलते हैं तो ये क्या योग बनाते हैं, सफलता का, असफलता का, क्या पोटेंशियल होता है इनका, ये सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। बट कौन सी युति की मैं बात कर रहा हूं पहले वो तो समझ लें। अगर आपका ड्राइवर नंबर है 5 यानी कि आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर होगा 5। डेट, मंथ एंड ईयर अगर इन सब का टोटल कर लें आता है नंबर 6 के ऊपर तो ये वीनस का नंबर है। तो ये युति क्या बैठेगी, मरकरी एंड वीनस यानी कि बुध के साथ शुक्र की युति बैठ जाएगी। क्या है ये युति, क्या होती है ये युति, आपको बताता हूं। दोस्त, एक बात पक्के से लिख लीजिएगा कहीं पेपर के ऊपर, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है ड्राइवर 5 कनेक्टर 6 का, बुध के साथ शुक्र की युति बैठी हुई है, आपको नहीं पता है, यू आर more blessed, slightly over blessed than millions and millions of people. ये कैसी युति है नंबर 5 और नंबर 6 की, अगर आपके पास ये बैठ जाए आपको जिंदगी के अंदर सफल होना ही चाहिए। इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं, इस तरह की जो युतियां हैं वो है 81, 81 तरह की ये युतियां होती हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप 10 युतियों की, टॉप 10 कॉम्बिनेशंस की, 81 कॉम्बिनेशंस के अंदर, ट्रस्ट मी, ये टॉप 10 कॉम्बिनेशंस के अंदर ये युति आती है ड्राइवर 5 और कनेक्टर 6 वाली। आप सोच क्या रहे हैं, अगर आपके पास ये युति है और आप जीवन के अंदर सफल नहीं है, देन आई एम गोइंग टू बी वेरी हार्श ऑन यू माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू गिव वेरी हार्श ऑन यू।
यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल एंड द कल्प्रिट ऑन दिस अर्थ, यू हैव वेस्टेड योर ह्यूमन बर्थ। परमात्मा ने क्या जबरदस्त दो हीरे, सुपर हीरे, कोहेनूर के हीरे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर डाले और आप उसको कंकर समझ के जीवन के अंदर फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ करे तो क्या करे, परमात्मा करे तो फिर क्या करे। लेकिन हमें तो तलाश है ज्योतिषियों की, पंडितों की, बाबाओं की, उनके साथ उनके चरणों में बैठने की और बाबा जी बाबा जी बाबा जी करने की। अगर आप यही करते रहेंगे जीवन के अंदर तो कभी भी आप अपने जीवन के पोटेंशियल को नहीं पहचान पाएंगे। एक पीछे मैंने वीडियो बनाया था, जरूर देखिएगा उसको जाके, कि कैसे इन ऊल जुलूल उपायों से बचें, कैसे इन फेक पंडित ज्योतिष बाबा गुरुओं के चक्कर से बचें, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो ताकत दी है, वो हीरे दिए हैं, वो एलिमेंट्स डाले हैं, वो स्ट्रेंथ्स डाली हैं, ऐसे ऐसे सूत्र डाले हैं जिसको पकड़ के आप अपने जीवन का कल्याण खुद कर सकते हैं। और इससे बड़ा सूत्र, इससे बड़ा एलिमेंट ड्राइवर 5 कनेक्टर 6 से दूसरा ढूंढना मुश्किल होगा दोस्त। अगर आपका ड्राइवर 5 कनेक्टर 6 है तो आपको जिंदगी के अंदर कौन से क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है वो डायरेक्शन की बात करते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा उपाय कीजिए करोड़पति बन जाइए, ऐसा उपाय कीजिए कर्जा माफ हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए रातों रात धन की वर्षा होगी। इट्स ऑल नॉनसेंस। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहने वाला हूं। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आपको कौन सी दिशा के अंदर जाना चाहिए, आप कौन सी डायरेक्शन के अंदर वो मेहनत करें जिससे आपको सफलता हासिल हो पाए, मैं आपको ये ज्ञान देना चाहता हूं। अगर आपका ड्राइवर 5 कनेक्टर 6 है तो सबसे पहले याद रखिए, दिस इज अ कॉम्बिनेशन नॉट मेंट टू बी इन द जॉब। यस, अगर आपका ड्राइवर 5 कनेक्टर 6 है तो शायद आप अपने पोटेंशियल को बेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। यू हैव टू बी इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप, यू हैव टू बी इनटू द बिजनेस। बट ऐसा नहीं कहूंगा कि अगर आप जॉब करें तो बिल्कुल ही असफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। बट ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन होने के बावजूद अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल को आप दबा रहे हैं, उसको टार्निश करने, उसको किल करने जा रहे हैं। तो ड्राइवर 5 कनेक्टर 6 सबसे पहले हमें ये बताता है, यू हैव टू बी इनटू द बिजनेस, यू हैव टू बी इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस। मल्टीपल बिजनेस बताता हूं दोस्त, मल्टीपल बिजनेस बताता हूं, हाथ आजमा लीजिएगा अपना। सबसे पहले अगर आप किसी भी ग्लैमरस बिजनेस के अंदर जाते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही हाई होंगे। जैसे कि होटल इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, वेडिंग प्लानर हो सकते हैं, बैंकेट हॉल में आप जा सकते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं, कितने काम मैंने आपको बता दें, टूर एंड ट्रैवल का काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर के अंदर जा सकते हैं, मीडिया का काम कर सकते हैं। अरे दोस्त, इतने प्रोफेशन बताऊंगा कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे प्रोफेशन अपनाइए, बट देखिए, पहचानिए अपनी क्षमताओं की, कितने रास्ते परमात्मा ने आपके सामने खोले हुए हैं। और आप जाना था जापान, पहुंच गए चीन। एक डाटा बताता हूं आपको मैं दोस्त, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन टू दिस वर्ल्ड दे आर इन टू द रॉन्ग प्रोफेशन। यस यस यस, आई वॉन्ट टू रीट्रेट, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन टू दिस वर्ल्ड दे आर इन टू द रॉन्ग प्रोफेशन, ओनली 20% पीपल दे आर इन टू द राइट प्रोफेशन। जस्ट इमेजिन कीजिए कि गलत प्रोफेशन के अंदर होके क्या आप जीवन के अंदर सफलता पा सकते हैं, क्या आप हैप्पीनेस को ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो प्रोफेशनल चॉइस है, प्रोफेशनल जो डिजाइन है, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका वो सही नहीं है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी ही ताकतवर हो, कितनी ही बलपूर्वक हो, कभी भी आप जिंदगी के अंदर वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे जिसको परमात्मा ने आपके लिए बनाया है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ज्वेलरी का बिजनेस, टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस, मीडिया का बिजनेस, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर, अगर इस तरह के बिजनेस के अंदर जाएंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही प्रबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपका ड्राइवर 5 कनेक्टर 6 है तो आपके लकी नंबर्स क्या होंगे, लिख लीजिए। अगर आपका ड्राइवर 5 कनेक्टर 6 है तो आपके लकी नंबर होंगे 1, 5, 6 एंड 7। यस, ये आपके लकी नंबर होंगे। बैड नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 4, नंबर 8 और किसी हद तक नंबर 3 से बचना चाहिए। आप कैसे पहचाने, अपने मोबाइल के 10 डिजिट्स का टोटल करके देखिए, कहीं वो नंबर 4, नंबर 8 या नंबर 3 पे तो नहीं आ रहा। आपकी गाड़ी के जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं, कहीं वो इनमें से तो नहीं आ रहे 4, 8, 3 में से। जिस घर के अंदर आप रहते हैं, क्या उस हाउस का नंबर 4, 8, 3 में तो नहीं आ रहा। अगर आप इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट डील्स करने जा रहे हैं, एनी ऑस्पिशियस वर्क अगर आप करने जा रहे हैं, तो 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30 इन डेट्स को हो सके तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन
अवॉइड करें तो बेहतर होगा. समटाइम दिस इज पॉसिबल, समटाइम दिस इज नॉट पॉसिबल. डू इट. अगर बात करूं आपके लकी कलर्स की, तो आपके लिए लकी कलर रहेगा रेड, व्हाइट एंड ग्रीन. यस, इसके अलावा सिल्वर, ग्रे, पिंक, ब्लू, पर्पल, जो दिल करे आप पहन सकते हैं, बट ब्लैक कलर से और येलो कलर से थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए. चाहे मैं आपके कपड़ों के रंग की बात करूं, चाहे आपकी गाड़ी के रंग की बात करूं, या किसी और चीज़ की बात करूं. अगर ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्त अगर आप सीख लेते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो बस एक ही बात कहता हूं, परमात्मा ने जो सफलता के झरने आपको दिए हुए हैं, आपने अंधविश्वास बाबाओं के चक्कर में पड़ के उसके ऊपर धूल जमा दी है, कंकर डाल दी है अपनी क्षमताओं के झरने के ऊपर. ज़रा सा उस पत्थर को हटाइए, जरा सा उस कंकर को हटाइए, जरा सा उस मिट्टी को हटाइए, तो सफलता के जो झरने परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर दिए हैं फूट सकते हैं, स्वयं से फूट सकते हैं. ज़रूरत है अपनी क्षमताओं को पहचानने की और कहीं ना कहीं इस विद्या को सीख के जीवन में अपनाने की. इमोशनल हो जाता हूँ यार कई बार अपनी शब्दावली पे, मुझे ध्यान भी नहीं रहता, समय का भी ध्यान नहीं रहता, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट क्या करूँ, आत्मा से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं कि जिसको देख के मैं बोल पा रहा हूँ. सो जैसा मन करता है वैसा आपके सामने अपने आप को मैं प्रेजेंट कर देता हूँ. एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली माय डियर फ्रेंड्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज़. बोलते हैं.